क्लियर हो गया है दीपक वाणी सर। तुम्हारा क्या नाम है? शिव प्रताप सिंह। प्रिंटर कहाँ से लाए थे तुम? इसका था है? और इसमें जो दो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें एक का नाम सूर्य प्रताप सिंह चौहान है जो इटावा का रहने वाला है। एक अन्य आरोपी दीपक पिता रमेश वानखेड़े है जो कि नागपुर का रहने वाला है। इसमें जो करेंसी जो हम लोगों ने जब्त की है वो सूर्य प्रताप से जब्त की है जो कि लगभग 49,000 के 2,500, 200 और 100 रुपए के जो है नकली नोट से बरामद हुए हैं। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक पर्टिकुलर टाइम के एक पर्टिकुलर समय के समय पर जारी हुए जो ऐसे नोट्स को जो है ये कॉपी करता था प्रिंटर से जिनमें बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिफिकेशंस नहीं होते थे। और तो इस प्रकार के कुछ नोट्स से बरामद हुए हैं जो कि बड़ी राशि दे के जो है ये कहीं से ख़रीदता था और उसके बाद प्रिंटर से जो है एक पर्टिकुलर टाइप के पेपर पे उनका प्रिंट निकाल के जो है ये मार्केट में चला देता था। इसने किस किस को जो है ये नोट सप्लाई किए हैं उसके विभिन्न ग्रुपों पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। कहाँ कहाँ इन्होंने इस प्रकार के नोट जो है खपाए हैं उसके बारे में भी पुलिस जानकारी प्राप्त कर रही है। इसके अलावा जो है इससे इंटरोगेशन के दौरान जो है अन्य कई चीज़ें भी पता चली हैं जैसे कि ये दीपक वानखेड़े जो है एक साइबर एक्सपर्ट है और ये डार्क नेट और डीप नेट में भी काफ़ी जो है चीज़ें करता रहता है और इससे अन्य चीज़ों के बारे में भी पुलिस डिमांड लेके पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक अन्य चीज़ भी सामने आई है, प्रॉक्सी सर्वर का यूज करके भी जो है लोगों को कॉल करता था जो है ताकि इसकी जो आइडेंटिटी जो है वो खुले नहीं गोपनीय बनी रहे। इसके अलावा जो है इसने कई ऐसे साइट्स को जो है उसने सर्च किया है जिस पे इंडियन करेंसी से मिलते जुलते जो है पेपर को जो है वहाँ पे अवेलेबिलिटी उसमें दर्शाई गई है जिसमें एक चीन की कंपनी है एक अन्य कंपनी है तो वहाँ से ये इसने कई बार जो है उनको विजिट किया है। बेसिकली अन्य पूरी चीज़ों के लिए जो है इसमें जानकारी इससे जुटाई जा रही है। पीआर के दौरान जो है इससे और पूछताछ भी की जाएगी।